अजीत वेब टीवी देख रहे दर्शकों का मनप्रीत सिंह बदनी कलां वालों निघा स्वागत है जी। आ पछमी देशों की चकाचौंध का आनंद मानने के लिए तो अपने आर्थिक हालातों का सुधार करने के लिए बहुत सारे एशियन देशों तो लोग जोड़े आ वो पछमी देशों वालों खिचे तुरे आ रहे हैं। तो कुछ लोग अजिहे भी होंगे ने जो समय के हालातों के हथों किसी ना किसी तरह सताए भी होंगे ने, लेकिन बहुत गिनती अजिहे होंगे ने जिहड़े चंगे भविख में लैके अपनी जिंदगी दाँ ते ला के वो इन देशों वालों आते हैं। तो अजिहे लोग यूके दे विच भी है। तो बीते समय सरकारां दे अनुमान अनुसार यूके दे विच 13 लाख अजिहे लोग ने जो गैर कानूनी ढंग दे नाल रह रहे ने। यूके दे विच ऑनलाइन एक पटीशन दायर की गई है। इस पटीशन दे विच कहा गया कि जिहड़े लोग 5 साल तो वध समय तो यूके दे विच रह रहे ने उन्हां दा कोई अपराधिक पिछोकड़ नहीं है, उन्होंने किसी तरह का इतिहास कि जिहड़ा वो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोले लोड़ींदे दस्तावेज नहीं हन। ते अजिहे लोगों नूं यूके विच स्थाई तौर पर रहने का अधिकार दिता जाए। तो अजिहे लोगों के लिए जिहड़ी वह पटीशन दायर की गई है, उस पटीशन के उत्ते हुण तक 75,000 तो वध लोगों ने दस्त कर दिते ने, लेकिन इस दे पार्लीमेंट दे विच बहस होण दे लई इस 1 लाख दस्तखतों की लोड़ है ता कि फिर पार्लीमेंट में इस संबंध में एक बहस हो। इस पटीशन नू भावें मीना अली वालों शुरू किया गया सी, लेकिन इस पटीशन नू अगे ले जाने के लिए काफ़ी हुंगारा जिहड़ा दिता वो यूके दे इमीग्रेशन वकील गुरपाल सिंह उप्पल ने, लेकिन हुण लेंदे ते चढ़दे पंजाब दे पंजाबी अदाकारां ते गायकां वालों भी इस मुहिम का हिस्सा जिहड़ा बणदे आ लोकां नूं वध तों वध दस्त करन दी अपील की गई है ता कि अजिहे लोकां दा भविख संवारा जा सके जिहड़े यूके दे विच लुक छिप के रहण लई पिछले कई सालों तो मजबूर होए ने। ते इस दे संबंध में एक विशेष रिपोर्ट आओ वेखदे आ कि की कहिंदे ने पंजाबी अदाकार लैंदे ते चढ़दे पंजाब दे, ते गुरपाल सिंह उप्पल इस बारे जिहड़े ओह की विचार रखदे ने ते इस पटीशन दा भविख जिहड़ा ओह की होवेगा। सो एक पटीशन साइन करवा रहे ने जिहदे च 1 लाख सिग्नेचर दी लोड़ है जी, और उहदे च मैनूं लगदा 70,000 दे आसपास सिग्नेचर हो चुके ने। वो पटीशन जो 1 लाख सिग्नेचर के नाल होएगी तो पार्लीमेंट का केस बन जाएगा, और पार्लीमेंट के विच मुद्दा उठेगा कि जिहड़े सालों तो विचारे साढ़े इत्थे यूके दे विच रहण वाले पंजाबी ने उन्हां नूं किते ना किते पक्के करन लई कोई इंतजाम हो सकेगा। इहदा सिर्फ इंडियंस नूं नहीं होर देशों के लोगों नूं भी फायदा बाद च जरूर होएगा, पर मैं बेनती करदा कि मैं यूके का है नहीं, वरना सब तो पहला सिग्नेचर मैं करदा, और तुसी सारे इहदे च पार्टिसिपेट करो, सिग्नेचर करो ता कि पार्लीमेंट च मुद्दा उठाया जा सके और साडे बहुत सारे वीर भैन भरा बजुर्ग जिहड़े ने सारे पक्के हो सकन। उत्थे शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ते यूके च रहण वाले जिन्ने भी साडे पंजाबी भैन भरा इंडिया पाकिस्तान तो जिन्ने भी लोग इत्थे रह रहे ने जिन्हां दे काफ़ी अरसे तो कागजात कच्चे ने, ते उहनां वास्ते एक फार्म जारी हो रहा, उहदे उत्ते साइन करो। तो वो 1 लाख बंदे दे साइन होणगे तो फिर ये यूके पार्लीमेंट दे विच पेश कीता जाएगा। 1 लाख अगर सिग्नेचर हो जाएगा उस तो बाद फिर पार्लीमेंट दे विच आपां मुद्दा उठा सकांगे। तो 70,000 दे कोल तकरीबन साडे सिग्नेचर हो चुके ने, बाकी थोड़े देर आगे ने, इहदे च बढ़ चढ़ के हिस्सा लवो, इहनूं सपोर्ट करो ता कि साडे भैणां भरावां वास्ते मसले जिन्ने भी ने वो सारे बड़े अच्छे तरीके नाल हल हो सकन। तो मैं बेनती करना चाहना तुसीं भी साइन करो इस पटीशन दे विच, सानूं 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। तो फिलहाल सिर्फ 65,000 होया, तो जदों 1 लाख सिग्नेचर होएंगे फिर ये केस बनता पार्लीमेंट जाण दा। ये केस ये आ कि जिहड़े वीर भैन बजुर्ग इंडिया तो आए जो कच्चे आ वह पक्के हो सकन। सो मालक बख्शिश करन वी जिहड़े इंडिया तो आए सब पक्के हो सकन, और सिग्नेचर तुसीं सारयां ने करने आ, और क्योंकि जिहड़े कच्चे रहिंदे भैन भरा वो अपने परिवारां नूं मिलन वो भी इधर आ जा सकन। सो मैं सारी अपने जिहड़ी पंजाबी कम्यूनिटी आ उन्हां नूं बेनती करदा कि वध तों वध ये पटीशन च योगदान पाओ और सिग्नेचर वध तों वध करो। सब दा इखलाकी फर्ज बनता कि असी अपने भैणां भरावां नूं सैटल होने लई मदद करिए। साडे नाल ने इमीग्रेशन वकील गुरपाल सिंह उप्पल, इन्हां नाल गल करदे आ पटीशन बारे जिहड़ी ऑनलाइन
पटिशन शुरू हुई है तो उसके 75,000 तो भी वध जो लोग हूँ तक देर दस्तक कर चुके हैं। उपल साहब थोड़ी जी सानू ब्रीफ दस्यो भी ये पटिशन किस तरह जी लोगों के सामने आई, क्योंकि जो देखते हैं जे पटिशन करता जो कोई मीना अली नाम उसे उन्होंने बारे कोई बहुत ही जानकारी जी नहीं मिलती, लेकिन इस पटिशन हुंगारा हुण बहुत वधिया मिलिया है गल की होंगी कि साड़ी यूके दे विच सानू कोई चीज़ चंगी नहीं लगती हैगी सरकार वालों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप से रहने वास्ते सानू एक मौका मिलता है उन्होंने अगे लैके जाने वास्ते एक सरकार के सामने पेश करने वास्ते एक पार्लीमेंट के डिबेट करने वास्ते पटिशन तैयार करने वास्ते तो पटिशन कोई भी तैयार कर सकता है कि तुम अर्जी पाने है सरकार को पांच तो शुरू होंगे है तो वो अर्जी मंजूर हो जाती हैगी फिर तुम अगे शेयर कर सकते पब्लिक सो हाँ जी मीना अली ने तैयार तो करती हैगी शेयर भी कर दी पब्लिक तो शायद किसी ने ध्यान ही चंकी तरह दिता बिकॉज पटिशन आप अगर खोलोंगे वैबसाइट सरकार दी तो कई सूँ निकलोंगी पर ओबियसली जब मेरे वाल ध्यान आ गई गल पटिशन की बिकॉज एक वकील के रूप में मैं जब भी रेडियो से जाना है टीवी से जाना है साड़ियाँ इंटरव्यूज होंगे हमेशा लोग पुछते हैं साढ़े कच्चे भरा भैन जो यूके आए हैं चढ़ते रहेंगे है उन्होंने भी कुछ सोचो स्टेटलैस जो बच्चे पांच साल रेंगे वह तो मैं सोच ही लिया सो जब मेरे सामने गल आई तो मैं तो झट फट के तो मैं शुरू करती सी लोगों को दसन वास्ते एक पटिशन हूँ हो गई है जो सवाल लोग पुछते थे कच्चे आप पक्के करने की कोशिश करिए चलो इनू अगे लैके जाए तो मेरे मन से चलो एक लख सिग्नेचर की लड़ हैगी है जिसे बाद फिर मुद्दा जो है पार्लीमेंट जाके एम पी राही आप अगे बहस कर सकते हैं जिसे सामने अगे दोवी पार्टी सरकार जिन्हें भी है अगे मुद्दे लैके जा के पेश करना चाहते हैं पास हो जाए तो कानून भी बन सकता है तो मैं सोच रही रातों रात लख कट्ठे हो जाने है पर वो असी रातों रात लक कट्ठे हो ही नहीं है जोर बथेरा पाया सी पर थोड़ा रुक गए गिनती पर इदा लगता है जिदे हिसाब न सारे हम जुड़ चुके हैं कलाकार भी जुड़ चुके हैं सारे सपोर्ट दे रहे हैं हूँ लागे आप आ रहे हैं पर हले भी सू 24-25 हज़ार की हले भी लड़ हैगी मुद्दा पार्लीमेंट जे ये जी पटिशन दिती हुई है लेकिन दूजे पास मैं सरकार का जवाब भी देखे सरकार ने उत्थे देखा कि ऑलरेडी जी डिमांड की जा रही है वह ऑलरेडी गवर्नमेंट दे लॉ दे विच है जी ते लेकिन उन्होंने नाल ही यह किया भी जेडे मिसयूज करता जिन्होंने इमीग्रेशन सिस्टम नू उन्होंने असी अलाउ नहीं कर सकते तो फिर यह पटिशन का किवें की फायदा होगा पहली जी सानू सोचना चाहिए सरकार की कह रही हैगी साड़ी कंसरवेटिव पार्टी हैगी है तो कंसरवेटिव पार्टी तो आप मुद्दा देखिए हमेशा सख्ताई दे विच रहा है जिन्हें आप इमीग्रेशन की गल्लां करी आप हम त्रीसा मे तो लैके प्रीत पटेल हूँ होम सैकटरी हैगी जिहदे इस होस्टाइल इमीग्रेशन वायलेंस अज के वक्त आप काम करना इंपलॉय नू फाइन कर सकते कच्चे बंदे रहिंदे आ काम करदे आ घर च रहिंदे हैगे किराएदार रूप च लैंडलॉर्ड नू फाइनां पैंदियां हैगियां डॉक्टर सामने पेश नहीं हो सकते इस सारियां सख्ताइयां सी मगर अगर आप बोरिस जॉनसन वाल देखिए उन्हें वार बार यह क्या है जब लंडन मेयर से जब फॉरन सैकटरी से तो हम जब प्राइम मिनिस्टर भी बनया जो लोग इतने लगातार 10 साल तो ज़्यादा हो गए रेंदे नू कच्चे आ पेपरों तो वगैरह काम करते सरकार पर बोझ नहीं पै है जो रिकॉर्ड चंगा है क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन्होंने पक्के करना चाहिए है पर नाल भी कहा जाता है 20 साल का भी कानून है जिन लोगों 20 साल लगातार हो गया यूके रेंदे ने उन्होंने भी पक्के होने की अर्जी हैगी जे बच्चे नाल तुसीं रहिंदे आ तां 7 साल बच्चे नाल रहिंदे आ तुहानूं हो गए फिर भी तुसीं अर्जी पा सकदे हैगे स्टेटलैस भी केस आ सो एक पासे कहन दा मतलब है साडे कोल ऑलरेडी एक पॉलिसियां बड़ियां हैगियां जो लोकां नूं पक्के करवाउण दी अर्जी पेश कर सकदे आ कि एमनेस्टी ऑलरेडी है फुल एमनेस्टी नहीं हैगी मगर जिहड़ा पटिशन पाया गया सी उस च एक कहा गया सी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स मतलब कहन दा सी जिस लोकां कोल कागज़ कुछ नहीं हैगा उहनां दे विच देख के तो उहनां नूं भी पक्के करना है जिहनूं आपां फुल एमनेस्टी कहिंदे हैगे जी सो ओदी गल सी जिक्र कीती इहदे गल जे ये हो भी जाता कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जे उन्हें लोगों को पक्के कर दिया जाए तो फिर कल होर लोग भी आ जाएंगे फिर वो तो पक्के करते फिर उत्तर होर कहते फिर यद मतलब जी गौरमेंट बॉडर के उत्ते इन्नी सिक्योरिटी लादियाँ कि जेडे गैर कानून ढंग के नाल जी इमीग्रेट जी ना हो सिस्टम से तुम ये लगता नहीं भी इदा भी जी खराबी आएगी तो कोई तुहाड़ा सवाल बिल्कुल सही हैगा इनफैक्ट यही जवाब हैगा सरकार वालों सरकार अज दे वक्त क्यों नहीं एमनेस्टी दे रही हैगी वह कहंदे कि अज दे वक्त आप कच्चे नूं पक्के करा दिंदे हैगे फिर आप एक स्नेहा दे रहे हैगे लोगों को कहन वास्ते तुसीं यूके आ जाओ
कच्चे इतने रह सकते हैं समय के ना तो पक्के करा दें। सो जो मैसेज दे रहा है क्या एक रोंग मैसेज दे हो रहा है कि आप एमस्टीगे करते हैं मगर एक कंजरवेटिव पार्टी का शायद मुद्दा है मगर लीडर कौन है कंजरवेटिव पार्टी का साडा प्रधानमंत्री कौन है वह तो होर कुछ बोली बोलता है। सो कई बार सानू स्नेहे भी जो मैसेज मिल रहे हैं सरकार वालों वो वक्रे मिलते हैं तो प्रीति पटेल जो अज की इतने की होम सैकटरी है वह तो सख्ताइया की गल्लां करती हैगी है लोग जो गलत ढंग ना आते हैं वापस किन्नी छेती भेजना चाहिए है उन्होंने फाइन करना चाहिए है डिपोर्ट छेती तो छेती करना चाहिए है कागज़ रिमूवल डॉक्यूमेंट्स हाई कमिश्नर जुड़ के छेती छेती वो वापस भेजो तो जेदे लोग इतने लैके भी आ रहे हैं उन्होंने भी सज़ा होनी चाहिए। सो प्रीति पटेल होर कुछ बोल रही हैगी है पर प्राइम मिनिस्टर होर कुछ बोल रहा है मगर मैं यही कह रहा है देखिए सही कौन बोलता है मुद्दा अगर आप पार्लीमेंट लैके जाने है एक आप डिबेट करते हैं 1 लाख सिग्नेचर जो हो जाए फिर कम से कम पता लग जूगा कि हक च आप बोलना है हाँ भी कौन की बोल रहा है ते इहदे सोल्यूशन की निकल सोल्यूशन की निकलना है क्योंकि बिल्कुल तुहाडी गल है क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े होर कंट्रियां तों आए आ उन्हां नूं बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आ उह प्रॉब्लम नूं फेस करदे आपदे फ्यूचर लई आउंदे कि असीं उत्थे जाके सेफ हो जावांगे क्योंकि बहुत तरहां दे जिहड़े कंट्रियां दे विच रियलिटी पर जे आपां देखिए जिन्ने भी साडे लोग इंडिया तों आउंदे उह आम तौर ते इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हुंदे आ इत्थे आउंदे आ अपनी तरक्की करन वास्ते फाइनैंशियल डैट हुंदा फाइनैंशियल तौर ते कोई तंगी हुंदी उहनूं निकल मासी आ रहे हैं पर थोड़ी गल दूसरे पास भी सही है कई लोग है इतने मजबूरी ना होंगे है अपने मुल्कों कोई ना कोई लड़ाई चल रही हैगी है सिविल वॉर्स चल रहे हैं जिद उ कोई सरकार नहीं हैगी पनाह मंगन आते हैं सो कच्चे लोग इतने आते कि ढंग आते हैं हर एक बंद की मजबूरी खुद पर्सनल होंगी हैगी है पर इंडियंस पंजाबी वाल आम तौर पर इकोनॉमिक ही होंगे है अपने हालात छड़ के पर भाजी सवाल थोड़ा यह पाया जाता है एक बंदा कि आ गया इतने गया कच्चा रहा है पेपरों तो वगैर आ टैक्स नहीं पे कर सकता है वापस जाने का उन्होंने मौका नहीं मिलता है कमाई करा के वापस भेजने का मौका नहीं मिलता यह सारी तंगियों के फिर दो नंबर च ही रह जाता है यही सवाल हम पाए जाते पटीशन लोगों को पक्के करवा के तो नाल सरकार का भी फायदा होए टैक्स जो कमाई होंगी वो वापस आए इतने आके उन्हें फिर रहना है जिन्ना उन्हें रहना किराएदार सही ढंग दे कमाई कर दे सही ढंग कमाई करे डॉक्टर की गल हो भी राइट्स मिले सो फुल राइट्स मिले सिर्फ आपे पासे ना हो जाए हूँ यह भी कहा जाता तकरीबन 1.3 मिलियन कच्चा इतने बंदा रहता है तो यह फिगर सूँ कि पता है कुछ पिछले सरकार ने कहा कि कच्चे बंदे जो रेंदे है वो शायद मुड़े आते नहीं है अपने टीका लाने वास्ते कोविड की वैक्सीनेशन तो उन्हें क्या एक गिनती वास्तली बंदे हम मुड़े आके अपनी वैक्सीनेशन लै सकते हैं तो थोड़ी इनफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी सरकार के नाल सो NHS जो इतने हॉस्पिटल्स है गुप्त रखोगे थोड़ी इनफॉर्मेशन सो इन्हों कि पता लग गया 1.3 मिलियन लोगों को लोड़ हैगी है सो पिछे पिछे इन्होंने भी पता है इतने दो नंबर लोग रेंदे है फ्यूचर लैके कि आस लगती है कि ये कोई पॉजिटिव जरा निकलूगा भाजी वकील के रूप में मैं तो हमेशा उम्मीद होंगी आप कोई चीज़ को फड़ते हैं आप अगे लैके हमेशा उसकी जित हासिल करिए पर यह जित हासिल करने वास्ते सानू सिर्फ हम 1 लाख पटीशन की लोड़ नहीं हैगी उसके बाद सानू MP की भी लोड़ है नहीं है हर एक फिर लोड़ पैनी है MP मुड़े जाके सारे हक च भी बोले अगर अद्धे पार्टी मैंबर साढ़े हक च नहीं बोलोगे तो ओबियसली सानू वोट अगे नहीं जानी हैगी तो अगर वोट अगे नहीं जाऊगी तो पार्लीमेंट कानून नहीं बनना है ब्रैक्सिट भी जो होया सी तां होया सी बिकॉज इतने पब्लिक चाहती सी ये होए 51% की वोट आई सी फिर अगे जाके जो MP सी उस साड़ी बोली अगे भी बोल के कानून बना चुके हैं हुण सिंपली साड़े एक वोट या सिग्नेचर के नाल गल नहीं चलनी हैगी ये तो सिर्फ एक शुरुआत हैगी है सो उम्मीद हैगी बहुत लोगों को उम्मीद हैगी है पर यह सिर्फ एक पहला कदम है ये बाद सू फिर साढ़े अपने MPs तनमनजीत प्रीत वरिंदर शर्मा जिन्हें भी साड़ी है मैं कहूँगा आप अपील करके उन्होंने कहूँगा अगे लैके जाओ मुद्दा गुरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम एक बहुत ही अहम जी जानकारी साझा की अजीत दर्शकों को असं जरूर दसागे कि जी पटीशन है ऑनलाइन जी शुरू हो चुकी है जैसे 75,000 तो वध लोग जोड़े ऑलरेडी दस्त कर भी चुके हैं पंजाब के बहुत सारे सिंगर जोड़े वो इसलिए जोड़ियाँ अपील भी कर रहे वो भी मूहरे आए हैं जेडे कि एक मनुखी अधिकार के तौर के उत्ते उन्हों का भी हक बनता जेडे ऑलरेडी 5 साल तो वह समय तो उत्थे रह रहे हैं ये तो कह नहीं जा सकता कि वह वापस चले जाएंगे
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ? ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇਊਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਪੇਪ ਟੀਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।